हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के नए मॉर्निंग में आपका स्वागत है, आपका भाई सचिन यादव दिल से स्वागत करता है। तो गाइस, जनरली आज आपका है 6 दिसंबर, अभी सुबह के बजे हैं आपके, राइट 9 बज रहे हैं गाइस। तो अभी मेरे को क्लास करना है और इसके बाद डेली रूटीन फॉलो करना है। और गाइस, मैं कल लाइब्रेरी नहीं जा पाया था क्योंकि साइकिल पंचर था, तो आज कोशिश करूँगा पूरा जाने का। पहले क्लास कर लूँगा और भाई अपना ट्रैक्टर दोनों कहीं चल लें, एक में कल्टीवेटर एक में राइस मिल। अभी मेरे को शेड्यूल फॉलो करना है मोस्ट इफेक्टिवली स्टडी का, क्योंकि दैट्स वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मस्टर्ड की खेती कितने देखो पीली पीली फूल ले ली है। तो गाइस, फाइनली आपका 1:20 हो रहा है, मतलब 1:20 और मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। शाम को हो सका तो जल्दी आऊँगा, क्योंकि गोबर छिड़ना मतलब खेत में है गोबर से, वैसे ऐसे करना ट्रैक्टर से टाल डालकर खेत भर फैलाना है। तो ड्राइवर साहब जाएंगे तो उनके साथ मैं भी हो सकेगा तो जाऊंगा। फिलहाल तो अभी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, नेटवर्क इशू आता है और घर पे अभी भाई आज तो एक बार रोटावेटर लगवाना है, फिर कल्टीवेटर लगवाना, फिर इसको हटवाना है, फिर लगवाना है। ऐसे ऐसे कम से कम 8 टाइम तो हुआ होगा, यानी 4 बार रोटावेटर लगा 4 बार कल्टीवेटर लगा। भाई एक में 10 मिनट लगे तो 1 घंटे से ऊपर का समय स्टडी हैम्पर हो जाएगी। तो भाई ट्रैक्टर लेकर आए थे यहाँ पे, अभी ले जाते हुए दिखाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारे भैया ट्रैक्टर ले जा रहे हैं, अब अंदर पानी को उतारने वाले हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि नीचे उतारने वाले हैं भैया। Okay.
लगभग पूरे खेत में लगभग फैलने ही वाला है। बस कुछ ही समय में सारा खत्म हो जाएगा, पूरा खेत में खाद फैल जाएगा। आपने देखा कि गोबर को सारा खेत में मतलब खाद को छिड़ दिया गया, और भाई हाइड्रोलिक लीवर को बार बार अप डाउन कर रहे थे ड्राइवर साहब, जैसे लग रहा था कि वो बिगड़ ही जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय।